निकट माता बगुलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है, जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्ण मातंगी की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कर्ण मातंगी आवाहन के द्वारा हम अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। जब तक मनुष्य सांसारिक जीवन में है तब तक वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीता है। सांसारिक जीवन का पालन करने के लिए उसे इच्छाएं करनी पड़ती है, उसे मनोकामना करनी पड़ती है और उसको पूरा करने के लिए वो जी जान भी लगाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यात्म का सहारा भी लें तो आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसी में आज आता है कर्ण मातंगी। माता कर्ण मातंगी की खासियत ये माना जाती है कि ये आने वाली घटनाओं का एहसास कराती हैं। जैसे हम माता पंचांगली की बात करते हैं, उसी तरीके से माता कर्ण मातंगी की भी बात की जाती है। इनके अंदर ये क्षमता मानी जाती है, ये आने वाली घटनाओं का एहसास आपको करा दें। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई धंधा करने जा रहे हैं तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि इस धंधे में, इस बिजनेस में, इस दुकान में और ये पार्टनरशिप में मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका एहसास मिल जाता है। और ऐसा होने पर आपको लाभ कई गुना मिल जाता है, होने वाली दुर्घटना, होने वाले नुकसान से आप बच जाते हैं। आप किसी से पार्टनर में व्यवसाय करना चाहते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपको धोखा मिल गया, अगर माता कर्ण मातंगी की आप उपासक हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टनरशिप हम करें या ना करें। कोई नई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो माता कर्ण मातंगी के जो उपासक हैं उनको ये पता चल जाएगा कि ये दुकान करने से उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो माता कर्ण मातंगी के जो उपासक हैं उन्हें ये पता चल जाएगा कि उन्हें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहने के बाद आने वाली घटनाएं उसका अंदाज आपको आना शुरू हो जाता है, इसलिए कर्ण मातंगी की साधना लोग विशेष तौर पर करते हैं। ये बहुत जरूरी हो गया है आज के जमाने में और इसीलिए इनकी साधना पूरी दुनिया में की जाती है। क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, बिस्तर में न बैठें। अपने सामने हरा कपड़ा बिछा लें और उसमें माता मातंगी की फोटो इंटरनेट से मिलेगी उसको फ्रेम करके लगा लें और उसके बाद विशेष प्रकार की मुद्रा बनाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हुए 10 बार प्रणाम करें, यानी ऐसे। जितनी देर तो हो सके रोके रखें, फिर धीरे से छोड़ें। ऐसे आप 10 बार प्रणाम करें। 10 बार प्रणाम करने के बाद कर्ण मातंगी मंत्र, ओम ह्री मातंगी मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय ह्रीं वोसठ। ओम ह्री मातंगी मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय ह्रीं वोसठ। ओम ह्रीं मातंगी मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय ह्रीं वोसठ। ओम ह्रीं मातंगी मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय ह्रीं वोसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीं मातंगी मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय ह्रीं वोसठ। ओम ह्रीं मातंगी मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय ह्रीं वोसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। और इस मंत्र को किसी भी बुधवार से, किसी भी मंगलवार से 11 दिन के लिए इस मंत्र का जाप करना है। आपको 21 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। 21 माला मंत्र का जाप करें, करीब करीब 1 घंटे का समय लगता है। आप माला से मंत्र का जाप करते हैं
तो रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, मूंगे की माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो 21 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। अगर आप माला से जाप नहीं करना चाहते हैं तो 1 घंटा तक इस मंत्र का जाप करें, 11 दिन तक, 1 घंटा 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। इस तरह की मुद्रा लगा लें, और माला से जाप करना है तो इस तरीके से, और बिना माला के मंत्र का जाप करना है तो ये मुद्रा लगा लें और मंत्र का जाप करें 1 घंटा तक 11 दिन के लिए। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। ये अभ्यास करने से एक प्रकार का इंट्यूशन पावर आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस साधना को ज्योतिष क्षेत्र के लोग, एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र के लोग, पूजा पाठ के क्षेत्र के लोग, साधक और महिलाओं के लिए तो परम आवश्यक है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की निगाहें कैसी हैं, किस तरीके के हैं, वो क्या चाहता है, कितना स्वार्थ है, इसका अंदाजा महिलाओं को लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये साधना देखा जाए तो सभी तरह के लोगों के लिए परम आवश्यक मानी जाती है। तो 21 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। किसी भी मंगलवार से बुधवार से इस मंत्र का आप जाप करें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करके ही आपको आश्चर्यचकित होना पड़ जाएगा। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, नियम का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि नियम क्या है। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3-5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।